नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश। में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ। शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर मुहर लगाई गई। जी हां, इनमें नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2021 भी पारित कर दिया गया। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। ये अहम कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2021 पारित कर दिया गया। वन विभाग का एक ही कार्यालय होगा, ये फैसला लिया गया। सरकार ने 90 करोड़ रुपए किसानों के ब्याज के लिए दिए। संगरौली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया। हर जिला मुख्यालय पर पुलिस का सोशल मीडिया एक्टिव रहेगा, ये बात भी कही गई। इस पर भी फैसला हुआ। तो कैबिनेट की बैठक हुई, शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी अंतिम मुहर। आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। बैठक के बाद एक समस्त मंत्रीगण, सीएस, एसीएस, पीएस के साथ भी बैठक हुई, उसका भी विस्तार से मैं बताऊंगा। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की भी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली। कैबिनेट के अंदर आज तय किया गया कि छिंदवाड़ा में नवीन जेल भवन परिसर के निर्माण की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आज कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 का अध्यादेश लेके आए हैं। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। दीपा, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगी। कौन कौन से प्रस्ताव और कितने महत्वपूर्ण? जी, आज की अगर कैबिनेट बैठक की बात की जाए शिल्पा, तो काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना गया है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय थे जो काफी लंबे समय से कहा जाता था कि लंबे थे, जिनके ऊपर काफी लंबे समय से मोहर लग दी बाकी थी। तो इन सभी विषयों पर आज कहीं ना कहीं कहा जाए तो चर्चा भी हुई और अंतिम मोहर जो है वो भी लगाई गई, जिसके अंदर सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी अगर मैं बात करूं तो नगर पालिका जो संशोधन अध्यादेश है 2021 का, उसे आज पारित कर दिया गया है। इसके अलावा अब ये बात भी साफ कर दी गई कि वन विभाग जो है उसका कार्यकाल जो है अब एक ही रहा करेगा। इसके अलावा जिस तरह से अगर बात की जाए तो किसानों को साधने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लगातार करती आई है, और इसी कड़ी में 90 करोड़ रुपए का जो किसानों को ब्याज जो है वो अब सरकार के लिए सरकार ने अब रखा है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिंगरौली पायलट प्रोजेक्ट जो है उसके लिए अब रूपरेखा जो है उसको तैयार किया गया, उसे चयनित कर लिया गया है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार जो PHQ है उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी जानकारी है उन्हें दिया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय जो है वहां पर सोशल मीडिया जो है उसे एक्टिव करने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि भले ही हम बात करें महिला अपराधों की या फिर कई अन्य अपराधों की भी क्यों ना बात करें, मध्य प्रदेश में शिल्पा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि सोशल यानी समाज की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक जो दायित्व है वो लोग कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के कारण कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अपराध या फिर दलितों के प्रति जो अपराध है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, यानी कि किस तरह से रूपरेखा रहेगी या और जो भी चीजें कहा जाए पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जाएंगी या पुलिस विभाग के द्वारा की जाएंगी उसे जनता तक पहुंचाने के लिए अब मीडिया का सहारा लिया जाएगा, यानी कि जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, जो भी उपलब्धियां रहेंगी या महिला अपराध में भी जिस तरह से आरोपियों को पकड़ा जाता है या जहां पे भी आरोपी पकड़ाते हैं तो उन्हें कहा जाए मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व जो है लोग जिसे भूल चुके हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें वापस याद आ सके। जी चलिए, ठीक है दीपा, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो इस तरह से ये अहम कैबिनेट की बैठक हुई, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बढ़ते आगे, गुजरात के बीजेपी नेता छगन भाई मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बना दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास MP के राज्यपाल पद का प्रभार था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल नियुक्त होने पर उन्हें बधाई दी। 9वीं कक्षा तक पढ़े छगन भाई मंगू भाई पटेल का जन्म 1944 में हुआ था। 77 साल के पटेल गुजरात के नवसारी से
बार विधायक रह चुके हैं। वे पहली बार 1990 में गुजरात विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 1995, 1998, 2002, 2007 में भी विधायक बने। उन्हें 2013 में गुजरात विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बना दिया गया था। गुजरात बीजेपी के मजबूत नेताओं में गिने जाने वाले छगन भाई मंगूभाई पटेल कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। वो पहली बार 1998 में आदिवासी कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में वो गिने जाते हैं। उनकी कैबिनेट का भी महत्वपूर्ण हिस्सा वो रह चुके हैं। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब पटेल उनकी कैबिनेट में आदिवासी कल्याण और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय संभाल चुके हैं और अब उन्हें मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कोटे से केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक राज्यपाल होंगे। मोदी कैबिनेट का विस्तार भी जल्द ही हो सकता है, जहां मध्य प्रदेश से सिंधिया और राकेश सिंह भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इस तरह के तमाम कयास इस समय जोरों पर। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है, फिर से उनके पास जाते हुए। दीपा, ये नई जिम्मेदारी पटेल को जो दी जा रही है, साथ ही मोदी से उनकी जो करीबी बताई जा रही है, क्या कहा जाए? जी शिल्पा, जिस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं, उनका नाम भले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में नया हम इसे मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गुजरात की राजनीति की मैं बात करूं तो इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में काफी कद्दावर नेता जो है ये वहां के माने जाते हैं। मोदी से काफी ज्यादा इनकी नजदीकियां जो है वो बताई जाती है। अगर मैं बात करूं तो ये नवसारी विधानसभा जो है गुजरात की, वहां का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी सरकार में कई अहम भूमिकाएं जो है इन्होंने वो भी निभाई है और काफी ज्यादा करीबी जो है इनकी वो बताई जाती है। मोदी बात की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो अब इनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी यानी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी जो है इन्हें ये दी गई है। इसके पहले जहां तक हम देख पा रहे थे कि आनंदीबेन पटेल जो है उन्हें प्रभार दिया गया था राज्यपाल का, क्योंकि काफी लंबे समय से नियुक्ति जो है वो टलती हुई नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश के साथ में आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश का भी प्रभार कहीं ना कहीं राज्यपाल का संभाली हुई थी, लेकिन अब जब कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक बड़ी भूमिका जो है वो मंगूभाई छगन भाई पटेल जो है उन्हें दी गई, निश्चित तौर पर ये बात मानी जा सकती है पटेल के लिए राहत, मध्य प्रदेश की राजनीति जो है और छगू भाई पटेल के लिए ये एक नई जिम्मेदारी, नई इनिंग, नई शुरुआत। जी निश्चित तौर पर शिल्पा, इसे हम कह सकते हैं कि मंगूभाई छगन भाई पटेल जो है उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आनंदीबेन पटेल है उन्हें काफी लंबे समय से, यानी कहा जाए जिस तरह से जब सरकार पलटी, जब बीजेपी सरकार आई तब से ही वो कहीं ना कहीं कहा जाए प्रभार जो है उन्होंने राज्यपाल का संभाला हुआ था, तो लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात कही जा सकती है कि उनको एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में एक कहा जाए कि नए जब राज्यपाल आएंगे जिनके पास जो ज्यादा समय मध्य प्रदेश में दे पाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो जनता का जाए कि जनता के लिए कई अच्छे काम हो पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हम एजुकेशन में बात करें तो वहां पर भी राज्यपाल की बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है, कई जगहों पर इनकी भूमिका देखने को मिलती है, कई ऐसे काम थे जो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से टलते हुए नजर आए थे, तो उन सारी चीजों पर अब कहीं ना कहीं काम हो पाएगा। और जिस तरह से मोदी सरकार से या कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ना कहीं इनकी जो कहा जाए नजदीकियां है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण है उनमें भी बदलाव आते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है दीपा, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, स्कूलों को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश में अभी नहीं खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सीएम शिवराज की तरफ से ये बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला। प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई इजाजत नहीं होगी स्कूलों को फीस बढ़ाने की, ये बात भी कही गई है। स्कूल कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूल सकते पेरेंट्स से। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर सीएम शिवराज का ये आदेश जारी हुआ है। सीएम शिवराज ने कहा कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूलों को बिल्कुल नहीं खोला जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम तीसरी लहर की संभावनाओं के कारण स्कूल खोलने का फैसला नहीं ले रहे हैं। ट्यूशन फीस भी इस साल नहीं बढ़ाई जाएगी, ये भी आदेश दिया गया। तीसरी लहर की संभावना खत्म हुई तो स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़ी हुई, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए। दीपा, ये बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला, काफी हद तक अभिभावकों को राहत मिलेगी कि स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी, लेकिन बच्चों की शिक्षा को लेकर और क्या कुछ किया जा रहा है? ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई तो हो रही है लेकिन उसका खामियाजा भी काफी हद तक
बच्चों को इस समय भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वो जो मोड़ होता है स्टडी का वो मोड़ क्रिएट नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या कुछ इस तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है और इस फैसले को किस तरह से वहां पर लोग देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, उनके अभिभावक देख रहे हैं। शिल्पा, अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की, तो जिस तरह से पिछले साल की अगर मैं बात करूं, जब ऑनलाइन क्लासेस की बात कही गई थी, तब कहीं ना कहीं जो एक मनमानी स्कूलों के द्वारा की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम जो है वो उठाए थे। लेकिन इस साल फिर से कहीं जब एक नया सत्र शुरू हुआ तो एक बार फिर से शिल्पा वही चीजें हमें देखने को मिली, जहां पर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी की जा रही थी। कई बड़े स्कूल जो है बच्चों जो काजा अभिभावक है उनसे मनचाहा पैसा जो है वो वसूलते हुए नजर आ रहे थे। तो इन सारी चीजों को लेकर जिस तरह से हमने में भी देखा था कि अभिभावकों ने घेराव भी किया था, स्कूल शिक्षा मंत्री से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनती भी नजर नहीं आई थी। लेकिन अब जब कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया है और कहा जाए कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है शिल्पा, तो इससे कहीं ना कहीं अभिभावकों में काफी ज्यादा राहत की सांस उन्होंने ली है और कहीं ना कहीं आभार वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लग पाएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना अभी भी गया नहीं है, तीसरी लहर की आहट अभी भी आ रही है, और जिस तरह से बात कही जा रही है तीसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम, और तीसरी तरफ बच्चों की जान सुरक्षा में, कि जब तक तीसरी लहर की संभावना या वो स्थिति पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे। ये बड़ा फैसला है। चलिए ठीक है दीपा, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।